हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लाई हूँ टच योर हार्ट का लास्ट पार्ट। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि जुंगरुक जिमशिन को बोलता है लेट्स ब्रेकअप। जिमशिन बोलते हैं, आप इसे अचानक क्यों बोल रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उन दोनों की पिक्चर क्लिक की होती है किसी ने, तो जिमशिन बोलती है, आप बर्डन महसूस कर रहे हो बिकॉज ऑल ऑफ दिस अनवांटेड अटेंशन। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसे अचानक ब्रेकअप क्यों? जुंगरुक बोलते हैं, हाँ, आपने अभी जो कुछ मेंशन किया उसकी वजह से ही हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ये रिलेशन इधर ही ख़त्म करते हैं। लेकिन हमें पता है कि जुंगरुक सिर्फ पे जिमशिन के फ्यूचर के लिए कर रहा है, और जुंगरुक वहाँ से चला जाता है जिमशिन को अकेला छोड़ के। जिमशिन वहाँ बैठ के रो रही होती है। नेक्स्ट डे जिमशिन के घर उसका मैनेजर आता है। जिमशिन उसे सब बताती है। वो मैनेजर को समझ आता है कि उसने जुंगरुक को जो कुछ कहा था उसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया है। जिमशिन ऑफिस आती है और अपना सब सामान पैक करती है डेस्क से। वो जुंगरुक की केबिन में जाती है। जुंगरुक उसकी तरफ देखता भी नहीं। जिमशिन बोलती है, क्या आप मेरी तरफ एक बार देखना भी नहीं चाहते? जुंगरुक उसके पास आता है और उसे बोलता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग और तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और अब टाइम बीत जाता है। जुंगरुक अपने कोर्ट में केसेस में खुद को बिजी कर लेता है, सिर्फ काम करता है। वहाँ जिमशिन भी अपनी काम में बिजी हो जाती है, शूटिंग में बिजी हो जाती है। हम देखते हैं कि जुंगरुक जिमशिन की सब न्यूज़ देखता है। कोर्ट में जुंगरुक और उसके बॉस बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर मिस्टर पार्क की मॉम आती है। आपको याद होगा वो केस जिसमें एक औरत ने अपने पति को सेल्फ डिफेंस में मारा था, वो केस था। पर बाद में पता चला था कि उसे तो मिस्टर पार्क ने मारा था। वो वहाँ आके जुंगरुक से बात करती है और बहुत गुस्सा होती है। वो बोलती है, तुम्हें याद है मेरा बेटा जिसे तुमने मर्डरर बना दिया? वो बोलती है, मेरा बेटा ऐसा क्रूर काम कर ही नहीं सकता। कल उसका लास्ट ट्रायल है। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ऐसे बोलकर वो रोने लगती है वहाँ पर। और कल मिस्टर पार्क का ट्रायल होता है, वहाँ जुंगरुक भी आता है। मिस्टर पार्क को 20 साल की जेल हो जाती है। मिस्टर पार्क की मॉम रोने लगती है। वहाँ वो जुंगरुक के पास आती है और उसे बोलती है, मेरे बेटे ने उसे नहीं मारा, क्या आप मेरे बेटे का केस लड़ सकते हो? जुंगरुक बोलते, आपके बेटे ने सब कन्फेस कर लिया है कोर्ट में। मिस्टर पार्क की मॉम बोलती है, फिर उसकी सब स्टोरी उसे क्यों फिनिश नहीं करने दे रहे? क्यों उसकी सब बातें नहीं सुन रहे? मेरे बेटे ने सिर्फ एक बार ही उसको स्टैप किया है। जो सेकेंड वाला स्टैप किया है वो यूं ही नहीं किया है। मुझे सब मालूम नहीं होगा, पर मुझे ये मालूम है कि मेरा बेटा लायर नहीं है। मुझे वो औरत सस्पिशियस लग रही है। वो इतना केयर दिखा रही थी मेरे बेटे के लिए, उसके लिए प्रिजन में जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन वो मेरे बेटे को मिलने एक बार भी नहीं आई। वो गायब हो गई। उनकी सब बातें सुन के जुंगरुक यूनी की नंबर पर कॉल करता है और वो इनवैलिड दिखा रहा था। हम जिमशिन को देखते हैं, उसकी शूटिंग चल रही होती है इमोशनल सीन की, ब्रेकअप का सीन होता है, और जिमशिन वहाँ सच में रो लगती है। वो भी जुंगरुक को याद करके, वो जुंगरुक को भूल नहीं पाई थी। जुंगरुक ऑफिस में डिटेक्टिव से यूनी के बारे में बात कर रहा होता है। डिटेक्टिव बताता है कि निर्दोष साबित होने के बाद यूनी ने उसकी 2.7 मिलियन इंश्योरेंस के निकाला होता है 4.9 मिलियन से। वो पैसे निकल कर गायब हो गई होती है। जुंगरुक बोलता है, कुछ ना कुछ इसमें फिशी ज़रूर है। फिर डिटेक्टिव और जुंगरुक इंश्योरेंस कंपनी से बात करते। वो औरत बताती कि यूनी किसी आदमी के साथ आई थी वहाँ। वो बार बार बाहर देख रही थी। जुंगरुक बोलता है, उसकी तो कोई फैमिली नहीं है, क्या वो उसका लवर हो सकता है? जुंगरुक अपने बॉस को बताता है कि वो मिस्टर पार्क का केस लड़ना चाहता है। उसका बॉस उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि जुंगरुक ने ही उसे मर्डरर साबित किया होता है और अब वही उसे निर्दोष साबित करने वाला था। बाद में बॉस और ऑफिस के साथ जिमशिन को मिलने जाते हैं, क्योंकि उसकी शूटिंग होती है कोर्ट के पास। अब वहाँ पर साथ में वो बातें करते हैं, लंच करते हैं। तब जिमशिन को जुंगरुक मिस्टर पार्क का केस लड़ने वाले ये बताते हैं।
जिमशिन रात में जुंगरुक को मैसेज कर रही होती है पर वो बैकस्पेस करती है। हम जुंगरुक को देखते हैं जो मिस्टर पार्क को मिलने गया था। तब मिस्टर पार्क जुंगरुक को बताता है कि अपने सिर्फ एक बार ही स्टैप किया था उससे, उसके बाद यूनी ने मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला था। जुंगरुक अपने बॉस को बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो मिस्टर पार्क का केस लड़ेगा और अब ये खबर हर जगह फैल जाती है, न्यूज़ पर भी ये दिखाया जाता है। सब रिपोर्टर जुंगरुक को घेर लेते हैं। जिमशिन भी ये न्यूज़ देखती है, उसे जुंगरुक के लिए बुरा लग रहा होता है। जुंगरुक जब ऑफिस आता है तो उसे जिमशिन की डेस्क को देखकर उसे याद आता है कि से जिमशिन ने लास्ट टाइम उसे मोटिवेट किया था, हौसला दिया था, बट इवेंचुअली अब उसके बॉस जुंगरुक को साथ देने का डिसाइड करते हैं। वहाँ शूटिंग के टाइम जिमशिन को जुंगरुक का फ्रेंड मिलता है, उसे जुंगरुक के बारे में वो पूछती है। जुंगरुक का फ्रेंड बताता है जब से उसने वो केस लिया है तब से वो टाइम से खाना नहीं खा रहा है। जिमशिन ये सुन के और ज़्यादा फिक्र करने लगती है। ऑफिस सब लोग मीटिंग अरेंज करते हैं केस डिस्कस करने के लिए। यूनी के हस्बैंड को दो बार स्टैप किया था, मिस्टर पार्क ने सिर्फ एक बार स्टैप किया था, ऐसे वो बोल रहे होते। मतलब स्टैप करने के बाद भी वो जिंदा था और इसलिए यूनी ने उसे सेकेंड टाइम स्टैप किया होगा। उसके एक्स हस्बैंड के बारे में भी वो बात की जाती है जो 5 साल पहले फायर में मर गया था। इंश्योरेंस लेने जो आदमी आया था वो यूनी के लवर होगा, ऐसे वो कंक्लूजन निकालते हैं और उस दिन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करने का डिसाइड करते हैं। वहाँ जिमशिन सिर्फ जुंगरुक के बारे में ही सोच रही होती है। जुंगरुक क्राइम सीन के फोटोज़ देख रहा होता है। वहाँ वो देखता है मिस्टर पार्क का तो जैकेट पूरा क्लीन था पर वॉल पर तो खून था, ऐसे तो उनके जैकेट पर भी खून होना चाहिए था। ट्रायल में नेक्स्ट डे जुंगरुक एक पॉइंट बताता है, उन्होंने सिर्फ एक बार स्टैप किया था ये भी बताता है, उसकी मौत सेकेंड स्टैप की वजह से हुई थी। ऐसे जुंगरुक कोर्ट में बताता है, वो क्राइम सीन के फोटोज़ वहाँ दिखाता है, वो यूनी के बारे में बताता है, वो इंश्योरेंस के पैसे लेकर भाग गई थी। लेकिन दूसरा प्रोसिक्यूटर होता है वो वहाँ पर यूनी को लाता है, उसे बुलाता है वहाँ, उसे विटनेस की तरह बुलाता है। यूनी वहाँ कोर्ट में बोलती है मिस्टर पार्क ने ही दो बार उसे स्टैप किया था और रोने का नाटक करती है। ट्रायल होने के बाद जहाँ जुंगरुक बाहर आता है वो यूनी से बात करने जा रहा होता है तो यूनी वहाँ से भाग जाती है और जुंगरुक को सब रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। जिमशिन अभी भी जुंगरुक के बारे में ही बात कर रही होती है, उसकी फिक्र कर रही होती है। उसके मैनेजर को ये सब देखा नहीं जाता, उसके लिए बुरा लग रहा होता है। वो जिमशिन को बताता है वो तुम्हें प्यार नहीं करता इसलिए तुमसे ब्रेकअप नहीं किया, बल्कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसे बोला ब्रेकअप करने के लिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए, इसलिए उसने ऐसा किया। और सीन शिफ्ट होता है जुंगरुक पर, उन्हें जो यूनी के साथ इंश्योरेंस लेने आया था वो इंसान का सीसीटीवी रिकॉर्ड मिलता है, उसका गलती से एक ग्लास पर हाथ लगा था, वो वहाँ से फिंगरप्रिंट लेते हैं उसके। जिमशिन को अब सब सच्चाई मालूम हो गई होती है, वो रात में बहुत ज़्यादा रोती है। नेक्स्ट डे वो जुंगरुक के पास जाती है लंच लेके और उसे लंच देके वहाँ से चली जाती है शूटिंग के लिए। शाम को फिर से वो उसके पास जाती है और डिनर के लिए पूछती है। जुंगरुक बोलते हैं आप क्यों कर रहे हो ऐसा सब। जिमशिन बोलते हैं ये मेरा डिसीजन है कि मैं आपको याद रखूँ या भूल जाऊँ, मुझे आपकी फिक्र है। और हम देखते हैं यूनी मिस्टर पार्क से मिलने गई थी और वहाँ हम उसका ईविल रूप देखते हैं। हम जुंगरुक को देखते हैं जो फिंगरप्रिंट मिले थे उस इंसान की, वो मर गया था, वो उसकी फिंगरप्रिंट थी, ऐसे उनके रिपोर्ट में दिखा होता है। और हमें पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट यूनी के एक्स हस्बैंड के है और जो फायर में जलकर मर गया था वो दूसरा और कोई था। और अब ट्रायल का दिन आता है, वहाँ जुंगरुक सबको ये फिंगरप्रिंट वाली आदमी के बारे में बताता है, वो यूनी के एक्स हस्बैंड के है जो वो मर गया वो दिखा रहा था, और जो फायर में बॉडी मिली थी वो यूनी के फादर की थी। मतलब ये सब यूनी और उसके हस्बैंड का रचा हुआ मास्टर प्लान था। वहाँ प्रोसिक्यूटर यू ने यूनी के एक्स हस्बैंड को गिरफ्तार किया होता है।
वो उस रात क्या हुआ था वो बताता है। यूनी को उसका हस्बैंड मार रहा था। यूनी ने जानबूझ के मिस्टर पार्क को वहाँ बुलाया होता है डिलीवरी देने के लिए, और उसके सामने जानबूझ के बोल रही होती है कोई उसे मेरे लिए मार दे। और फिर मिस्टर पार्क चाकू लेके उसे स्टैब करता है। मिस्टर पार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उसे बताती है तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं किया, यहाँ जो हुआ उसके बारे में तुम भूल जाओ और किसी को मत बताना, और उसे जाने के लिए बोलती है। और वो जाने के बाद वो ईविल स्माइल देती है और अपने एक्स हस्बैंड को बाहर आने के लिए बोलती है जो वहाँ छुपा था। और वो अपने एक्स हस्बैंड को प्लान बताती है कि वो पहले सब कन्फेस करेगी, नहीं तो पहले मुझे ही सब सस्पिशियस समझेंगे और बाद में मैं उस मिस्टर पार्क को गिरफ्तार करूँगी। लेकिन तभी उसका एक्स जो करंट हस्बैंड वहाँ आता है वो ज़िंदा था। उसका एक्स हस्बैंड वहाँ से चाकू लेके उसे स्टैब करता है और अब सच्चाई सबके सामने आती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी रात जिमशिन जुंगरू को डिनर के लिए मिलने पूछती है। वो दोनों डिनर करते और वो वॉक करते जा रहे थे, तब जिमशिन जुंगरू को बोलती है सच्चाई उसे मालूम है करके, क्योंकि उसने उसके साथ ब्रेकअप किया था। तब जुंगरुक जिमशिन के पास आकर उसे किस करता है और फाइनली अब उनका पैचअप हो गया। ऑफिस वालों की पार्टी होती है केस जीतने की वजह से, वहाँ जिमशिन भी आती है। वहाँ पर जिमशिन सबके सामने बताती है कि जिमशिन और जुंगरुक दोनों रिलेशनशिप में हैं। पहले सबको लगता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, तब जिमशिन बोलती है मुझे उनसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। सब लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं। जुंगरुक जिमशिन को छोड़ने उसके घर जाता है और उस रात वही रहता है। वो दोनों किस करते और क्लोज आते हैं दोनों। जिमशिन का ड्रामा का प्रीमियर हो जाता है। सब लोग उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। जिमशिन ने अपनी जगह फिर से वापस पा ली होती है। ड्रामा की खुशी में उनकी पार्टी होती है, इसलिए जिमशिन जुंगरुक को ड्रेस स्टाइलिस्ट के पास लेके आई होती है। जुंगरुक बोलता है आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, तब जिमशिन बोलते आज रात पार्टी में आप मेरे बॉयफ्रेंड बन के जाने वाले हो, मैं आज रात सबको बताने वाली हूँ हमारे रिलेशनशिप के बारे में। और रात में फुल स्वैग से उन दोनों की एंट्री होती है हमारे कपल की। सब उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हमारा ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।